नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। लवली आनंद जी अभी हमारे साथ हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आज इन्होंने अपना नामांकन दर्ज कराया है। मैडम, जैसे क्षेत्र में घूमते हुए हम आपसे मिले थे और आज नॉमिनेशन हुआ है, ऐसे में क्या कुछ सहरसा के वासियों से संदेश आपका, और इस चुनाव को लेकर कैसा लग रहा है आपको अपने पक्ष? देखिए, यहाँ पर अपार जनसैलाब है और सहरसा ही नहीं पूरे बिहार में महागठबंधन की जीत होगी। और जो आज के समय में जो जिसके हाथ में बिहार का सत्ता गया है, तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से ये अच्छे अच्छे लोग को जेल में दे करके, निर्दोष लोग को जेल में दे करके शासन कर रहे हैं। तो बिहार की जनता जग गई है। आज बिहार में क्या हो रहा है? सर्वत्र अन्याय है, कोई सुरक्षित नहीं है, शराबबंदी के नाम पर होम डिलीवरी हो रही है। और जो लोग आज लालू जी को चारा घोटाला में क्या, क्यों? लालू जी तो इसका उजागर करने वाले हैं। आनंद मोहन जी को निर्दोष होते हुए 14 साल से जेल में रखे हैं। तो बिहार की जनता जग गई है और सहरसा में भी अपार बहुमत से जीतेंगे और जीत यहाँ के सहरसा की जीत होगी, सहरसा वासियों की जीत होगी। मैं तो यहीं की बेटी हूँ, मैं यहीं की बहू हूँ। अपार जनसैलाब में कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि आरजेडी ने गलत टिकट दे दिया है। रंजीत जी अभी निर्दलीय नामांकन कर रहे हैं। किशोर, चलिए क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, कोई बात। हमारी लड़ाई है बिहार सरकार से। सब लोग हमसे लड़ रहे हैं। जनता सबको अपना वो देगी, जनमत देगी। तो लड़ाई हमारी है सत्ता से और सबकी लड़ाई है हमसे, लवली आनंद से। तो ये जनता तय करेगी ना, जनता तय करेगी।